हरे कृष्णा, आज हम भस्त्रिका प्राणायाम सीखेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम अभी जो कड़कती ठंड है उस ठिठुरन से निजात दिलाने में आपको बहुत मदद करेगी। और अगर आप कहीं शादी में जाने का प्लान कर रहे हैं तो पार्लर की महंगी खर्च से बचने का ये बहुत सरल उपाय है। आपके चेहरे पर ये बहुत अच्छा ग्लो लेकर आती है। तो फिर देर किस बात की है, भस्त्रिका प्राणायाम शुरू करते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम जिन जो भी पेशेंट्स लंग्स डिजीज से पीड़ित हैं, फेफड़ों के पेशेंट्स हैं, फेफड़े की बीमारी के पेशेंट्स हैं, हार्ट में जिनके ब्लॉकेज या स्टेंट लगे हुए हैं, पाइल्स हैं, अस्थमा की शिकायत रहती है और हाई बीपी, कभी ब्रेन हैमरेज हुआ हो, तो ये पेशेंट्स ये प्राणायाम नहीं करेंगे। जो स्वस्थ लोग हैं वही ये प्राणायाम करें तो अच्छा होगा। और वैसे तो सारे प्राणायाम, कुछ प्राणायाम जो होते हैं वो हर सीज़न में कर सकते हैं, लेकिन भस्त्रिका प्राणायाम मेनली आपके शरीर में गर्मी को बढ़ाने के लिए है। तो ये प्राणायाम आप ठंड में करिए, ये बहुत इफ़ेक्टिव होगा। इस प्राणायाम को करना कैसे है? इस प्राणायाम में आप सबसे पहले आसन लगा के बैठ जाएंगे ज्ञान मुद्रा में। अपने आप को सबसे पहले आप रिलैक्स कर लें। आसन लगाने का मतलब आप कंफर्टेबल हो जाइए आराम से ज्ञान मुद्रा में। उसके बाद आप 4-5 बार गहरी सांसें लेकर बहुत अच्छे से इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करने के मोड में आ जाएंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं इस प्राणायाम को एग्जैक्टली कैसे करना है। भस्त्रिका प्राणायाम में हम सांसों की गति को चेंज करते हैं। ऐसे भस्त्रिका प्राणायाम में आपको बताऊं तो ये कहाँ से आया है, किस इसका शब्द का क्या मतलब है। आप पुराने ज़माने की फिल्मों को अगर देखेंगे या कभी आपके घर में कोई बुज़ुर्ग हो तो वो आपको बताएंगे कि जो लोहार होते थे वो किस तरह से अपना काम करते थे। लोहार के पास एक अंगीठी होती थी जिसमें वो आग जलाते थे, और उस आग के धुएं को या आग की लौ को बरकरार रखने के लिए वो एक थैला रखते थे लेदर का, जिसको वो एक हाथ से कंट्रोल करते थे हवा भरने के लिए, और उसका एक मुंह अंगीठी की तरफ होता था जिसकी अग्नि को वो बराबर लौ देने की मदद से अपना काम कर पाते थे। तो भस्त्रिका भी यही काम करता है। आप सांसों के प्रेशर को कम ज़्यादा करके अपने अंदर की अग्नि को बढ़ाते हैं। समझ रहे हैं? तो आइए हम ये प्राणायाम करते हैं। आप पहले तो नॉर्मल सांसें लेंगे 4-5 बार, गहरी सांसें और फ्रीक्वेंसी जितनी सांसें जितनी देर के लिए बाहर उतनी देर के लिए अंदर। हिंदी में हम सांसों को अंदर लेना, इनहेल करने को पूरब बोलते हैं, बाहर निकालना, एक्सहेल करना, इसको हम रेचक बोलते हैं, और जो सांसों को होल्ड करके रखते हैं उसको कुंभक बोलते हैं। तो पूरक और रेचक, इनहेल इनहेल और एक्सहेल आप बराबर टाइम के लिए गहरी मतलब नाभि तक लेंगे। ठीक है, 4-5 बार गहरी सांसें ले लिया। उसके बाद आप इसकी गति को बढ़ाएंगे, सांस लेने की गति को बढ़ाएंगे। सांस लेने की गति को जब आप बढ़ाएंगे तो आपके सांसों में एक प्रेशर फील होगा। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, आप धीरे धीरे फिर उस गति को, स्पीड को, अपनी सांसों की स्पीड को धीरे धीरे कम करेंगे और प्रेशर भी कम होता चला जाएगा। उसके बाद आप मूल बंद करेंगे। मूल बंद मतलब अपनी एनस को, अपनी गुदा को समेट कर आप अपने चिन को, ठुड्डी को कंठ में लगा, इस तरह लगाकर सांसों को आप अपनी अपर बॉडी में फील करेंगे। आपको देखिएगा, महसूस होगा कुछ गर्मी महसूस हो रही होगी।
और इस जब जब चिन को कंठ पे लगाएंगे तो आप उस समय अपने सांसों को होल्ड करके रखेंगे, और जब लगे कि अब आपसे होल्ड नहीं हुआ जा रहा है तो आप चेहरा सीधा करके धीरे धीरे सांसों को बाहर निकालेंगे और इस समय तक आंखें आपकी बंद रहेगी। सांस बाहर निकालने तक आप 2 मिनट अपने शरीर में जो गर्मी प्रोड्यूस हुई है, उत्पन्न हुई है, उसको आप महसूस करिए, शांति महसूस करिए। उसके बाद ही आंखें खोलिएगा, तुरंत आंखें नहीं खोलिएगा, ठीक है? इससे नहीं तो आपकी आंखों में या कुछ मानसिक परेशानी हो सकती है, ठीक है? तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना भस्त्रिका प्राणायाम, जो आपके चेहरे पर ग्लो लाएगा और आपको इस ठंड से बहुत राहत दिलाएगा। सबसे पहले आप कंफर्टेबल हो जाएं। जो लोग ज़मीन पर बैठ के आसानी से योगा कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, तो वो तो ज़मीन पर बैठ जाएंगे। जो लोग नहीं बैठ सकते नीचे, वो कुर्सी पर, चेयर पर, काउच पर बैठ के भी बैक सपोर्ट ले लेंगे और प्राणायाम करेंगे, ठीक है? तो इस तरह आप अपना आसन लगा लीजिए और एक कंफर्टेबल मुद्रा में आ जाइए। अपने ध्यान को सारे डिस्ट्रैक्शन से दूर, अपने ध्यान को अपने थर्ड आई पर लेकर आइए। के बाद हम स्टार्ट करेंगे, 4-5 बार गहरी सांसें लेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। Deep breath, inhale and exhale. Deep breath, inhale and exhale. Deep breath, inhale and exhale. महसूस करिए कि आपके वातावरण की सारी पॉजिटिविटी आपके अंदर जा रही है इस डीप इन्हेलेशन से, और आपके अंदर की सारी नेगेटिविटी बाहर जा रही है। आप शुद्ध हो रहे हैं इस डीप इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन से। जब 4-5 बार डीप इनहेलेशन एक्सहेलेशन हो जाए, उसके बाद आप अपनी स्पीड को बढ़ाएंगे। स्पीड को कम करते हुए मूल बंध में आएंगे, अपने एनस को, अपने गुदा को समेटेंगे, गहरी सांस अंदर लॉक करेंगे, अपने चिन को जलंधर बंध में लगाएंगे इस तरह, और सांसों को रोक के रखेंगे। अब धीरे धीरे हम सांसों को रिलीज करेंगे।
इस प्रोसेस में जो भी एनर्जी आपको महसूस हो रही है, आप वो महसूस करिए। आप महसूस करेंगे जैसे आपकी सारे नर्व्स एक्टिव हो गए हैं। आपको एक गर्मी का एहसास हो रहा होगा। अब आप रिलैक्सली अपने आँखों को खोलेंगे। समझ आए आपको कैसे करना है भस्त्रिका प्राणायाम? अब मैं कोई कमांड नहीं करूँगी, अब हम एक राउंड अच्छे से एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है? लेट्स स्टार्ट। तो आप भी भस्त्रिका प्राणायाम को आप जान लिए हैं, समझ लिए हैं, तो इस ठंड में जो स्वस्थ लोग हैं वो प्रैक्टिस करें, और शादी में एक अच्छा ग्लो पाने के लिए सारे गेस्ट में एक अलग लगने के लिए आप इस भस्त्रिका प्राणायाम को बिल्कुल आज से ही शुरू कर दीजिए। हरे कृष्णा।